हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत चार फ्रेश इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नीलम जो एक इंडियन मतलब ज्वेलरी डिज़ाइनर है और जो एक्ट्रेस रह चुकी है गोविंदा के साथ, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, वो लोग फिर से रीयूनाइट हो चुके हैं 20 साल के बाद सुपर डांसर 4 के शो पे। तो ये है हमारा पहला न्यूज़, है ना, बहुत ही मस्त न्यूज़। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है तृणमूल के एमपी नुसरत जहान, जो एक बंगाली एक्ट्रेस है, उनके बारे में। ये बंगाली बहुत सारे वेबसाइट्स का मानना है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन उनके पति जो है मतलब हस्बैंड, उनको पता ही नहीं इस प्रेगनेंसी के बारे में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके को एक्टर यश दासगुप्ता, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये सुने बात है, मतलब ये बहुत सारे वेबसाइट का मानना है ये सब। तो है ना, ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ करण मेहरा और मतलब उनकी बीवी के बारे में, जो निशा रावल है। मतलब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि उन दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और निशा ने ये कॉम्प्लेन किया मतलब करण के बारे में कि करण ने उनका सर वॉल पे पटक दिया। तो लेकिन करण ने बेल ले ली, क्योंकि वो बोल रहे कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि निशा करण से डाइवोर्स लेना चाहती है और उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा मतलब पाना चाहती है, इसलिए वो ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लगा के उनको फंसाना चाहते। और अभी ये सुनने में आया है कि करण ने बोला कि कैमरा जो उनके घर में 7 कैमरा है, सभी के सभी स्विच ऑफ थे उस समय। तो निशा ने बताया कि वो कैमरा के सामने करण बहुत ही अच्छे बिहेव करते थे, लेकिन उनके बेडरूम पे कैमरा नहीं था तब उनको मारते थे, इसलिए निशा ने बाद में कैमरा ही हटा दिया, क्योंकि कैमरे होने का कोई फ़ायदा नहीं, बेडरूम पे वो मारते, ये उनका आरोप है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के बारे में। उनके ट्विटर अकाउंट से उनका जो ब्लू टिक है, जो वेरीफाइड बैच है, वो हट गया है। इसके साथ साथ RSS चीफ मोहन भगत के अकाउंट से भी ये हटाई दिया गया। और ट्विटर से पूछने के बाद ये पता चला कि उन लोग इनएक्टिव रहते ट्विटर पे, इसलिए उन्होंने ब्लू टिक हटा दिया। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे।